नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंसेंट टॉप्स ऑफ इंडिया में। अभी ये वीडियो है, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया बकरी के से जो लिंग लंबा करने का जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, जो दवाई तैयार करके मैं आपको भेज रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों की एक सबसे ज्यादा बोल की भाई मालिश कैसे करें, ठीक है। तो वो मैं पिछले वीडियो में मिस कर गया था दोस्तों, तो उसके लिए मुझे छेद है। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा बहुमत में आप लोगों ने ऑर्डर किए, जिससे थोड़ा मैं बिजी भी हो गया, काफी आप लोगों के ऑर्डर को मैनेज करने में उसमें मैं बिजी रहा हूँ, तो ये वीडियो भी नहीं बना पाया था। एक वीडियो और बनाया मैंने, बहुत बेहतरीन, उसको भी जरूर देखिएगा। और ये वीडियो उस वीडियो का एक वो है कि आपको मालिश करने का सही तरीका मैं बता देता हूँ। एक्चुअली एक तो सबसे बड़ी जो एक जो बात थी उसमें, वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि लिंग छोटा कैसे रह जाता है, ठीक है दोस्तों। मैं एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से बताता हूँ। बचपन में, युवा अवस्था में लोग इतनी ज्यादा मात्रा में हस्तमैथुन करते हैं, उससे क्या होता है, उस समय पे जवानी में कोई होश नहीं रहता, क्योंकि उस टाइम पे युवा अवस्था में बहुत ज्यादा सेक्स हार्मोन साबित होते हैं लोगों के, तो उन लोगों को अच्छा बुरा भला कुछ समझ उस टाइम पे आता नहीं है। बाद में वो बचपन की गलतियों से पछताते हैं। रीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने से लिंग की जो भी नसें होती हैं पूरी डैमेज हो जाती है। नतीजा ये होता है कि लिंग जो है पूरा मांसपेशी का, प्योर मांसपेशी का बना हुआ एक अंग होता है हमारे शरीर का, तो बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने से उसकी नसें डैमेज हो जाती है। नतीजा ये रहता है कि उसमें ब्लड जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर मात्रा से नहीं हो पाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा से नहीं होगा तो वो उसकी लंबाई रुक जाती है, ग्रोथ होना बंद हो जाता है। बकरी के घी में और जो जड़ी बूटी जो मैं मिला रहा हूँ, ये बहुत रिसर्च के बाद मैंने देखा इनमें ऐसा क्या चीज है जो इस चीज को वो करते हैं। इनमें कुछ ऐसे एंटीडॉक्स मार्क पाए जाते हैं जो कि उन डैमेज नसों को, लिंग की डैमेज नसों को फिर से रिफेयर करने का काम करते हैं। महीने भर मालिश करने से वो नसें वापस से रिपेयर होने लगती है, और जब रिपेयर होने लगती है तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होने लगता है। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होने लगता है तो लिंग की ग्रोथ फिर से बढ़ने लगती है। इसका एज 65 की एज तक ये यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो ज्यादा एज के बंदे हैं, अबव 40-45 के ऊपर अबव, उनको थोड़ा सा ये एक महीने नहीं, 2-3 महीने करना पड़ेगा। 2 महीने तो कम से कम करना ही पड़ेगा। लोगों को 21 दिन की दवाई है, महीने भर काम है, इस तरह का सिर्फ पैकेट का एक डब्बा भेजते हैं लोगों को, जो कि काफी होता है। अब हो क्या रहा है कि बहुत लोगों के मेरे पास फोटो आते हैं, व्हाट्सएप वो लोग करते हैं, मेल वो करते हैं, बहुत लोगों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अब मैं पिछले वीडियो में आपको जो पिक दिखाई थी उनकी वजह से मुझे यूट्यूब पे स्ट्राइक मिल गया, यूट्यूब ने मेरा वीडियो बंद कर दिया था, फिर एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आप लोगों को एक मुझे प्रूफ दिखाना था, उस टाइम पे मैं दिखा दी। अब मैं ऐसी वीडियो में चीजें दिखा नहीं सकता हूं, आप समझते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी मुझे आए, कुछ लोग 2-4-10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये बोला सर में फायदा नहीं हो रहा, उसका रीजन ही हो सकता है सर्दियां हैं, तो सर्दियों में नॉर्मल अवस्था में लेकिन इतना तो बड़ा रह नहीं सकता, सुकड़ जाता है, तो कहते हैं हमारा सुकड़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो प्रॉब्लम ये है कि सर्दियां हैं तो उसमें आपको ऐसा महसूस होता है, जबकि आपका जब खड़ा होता होगा इरेक्शन का टाइम है वो बेहतरीन इरेक्शन होगा आपका, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज को। और बहुत लोगों का मेरे पास इमेज आई है, ठीक है, उनको बहुत फायदा हुआ है, सुपर क्लास फायदा, क्योंकि उन्होंने मालिश सही तरीके से कर ली। अब खास बात यह है, मैं आपको बता देता हूँ कि मालिश सही तरीके से करी कैसे जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये लिंग हो गया, राइट, ऐसा आपका लिंग है, तो आपको करना क्या है, घी कितनी मात्रा में लेना है, जो ये दवाई है अपनी आपको थोड़ा सा इतनी मात्रा में लेना है, और ले लो थोड़ा जो भी आपको, ज्यादा लेना नहीं, ठीक है, ये ले लिया अपने दोनों हाथों पे, इस तरह से इसको मल लीजिए, राइट, हो गया। अभी सही तरीका आप अच्छे से देख लो, लिंग को एक हाथ से इस तरह से यू पकड़ना है, ये देख लीजिए बिल्कुल ऊपर से, और दूसरा हाथ ऐसे लेना है और इस तरह से पकड़ के ऊपर से नीचे की तरफ टाइट टाइट एकदम खींचना है, ठीक है, ऐसे करके पूरा तेल से लगा के इस तरह से ऐसे पकड़ के, फिर इससे यू पकड़ लीजिए, फिर इससे ही, जो कि एक केजल विधि होती है वैसे, उस तरह से आपको ऐसे खींचना है, और ये कम से कम कंटिन्यू 10 मिनट करना है, 10-12 मिनट, उससे कम नहीं, ठीक है,
ऐसे करना है। अब आप आराम से गौर से देख लीजिए, फिर आप पूछते हैं हमारे पास, इसलिए आपको फायदा नहीं हो रहा हो क्योंकि आपने इस तरह से मालिश नहीं कर पाए हैं। और एक इसका सरल तरीका बताता हूं कि आप 10 मिनट टाइम से देख के करें, अदरवाइज आप एक सिंपल सा कर लें कि मुझे 100 बार इस हाथ से करना है, जैसे 1 टाइट खींचना है, 2, 3 ऐसे करके 100 इस बार और 100 इस बार, आराम से आपके 10 मिनट हो जाएंगे। 1, 2 ये टाइट होना चाहिए, ध्यान रखना, इस तरह से पकड़ के ऐसे। तो इस तरह से आप जब करोगे तो मालिश सही होगी, उसमें ये जो आपकी नसें हैं वो रिपेयर होंगी, तो अपना वो काम करना शुरू करेंगी, फिर आपकी ग्रोथ वापस से होने लगेगी। तो अब इस बार आप कोई गलती मत कीजिए, मैंने जिस तरीके से बताया है जिनके पास पहुंच गया है वो इस तरह से करें और इतनी मात्रा में लें, और आपको महीने भर भी बचता है बात करते रहे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और आपकी ग्रोथ और मोटाई 100% बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं प्रूफ है, बहुत सारे लोगों के प्रूफ आए हैं मेरे पास जिनको फायदा हुआ है, तो आपको भी होगा। बस ये है कि आप समझ गए ना, जो मैं दोबारा वीडियो में देख लें जो कि मैंने आपको तरीका बताया, मालिश का सही तरीका होना चाहिए, एग्जैक्ट तरीका, तो आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और कोई जिन जिनको और ऑर्डर करना है तो इस नंबर पे भी, वीडियो पे भी मैं आपको नंबर देता हूं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये लिक्विड है, थोड़ा टाइम लग जाता है इसको पहुंचाने में, 3 से 5 दिन बोलते हैं हम एक्चुअली, कई बार कोरियर सर्विस कोरियर कार्गो वाले लिक्विड को भेजते नहीं, तो उसको पकड़ने की वजह से कहीं ये स्कैन नहीं हो जाए, डिटेक्ट नहीं हो जाए, तो उसमें कई बार टाइम लग जाता है, उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सॉरी बोलता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हमने हर ऑर्डर हर इंसान तक पहुंचा है, भले ही वो थोड़े दिन में पहुंचा है या बाद में पहुंचा है, लेकिन पहुंच जाता है। और जो एक नई दवाई है उसको जो टाइमिंग वाली है, वो आप कभी भी बिंदास होकर मुझसे ऑर्डर कीजिए, आपकी टाइमिंग 25 मिनट गारंटीड, अगर आप उसको अच्छे से यूज करते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से तैयार है और बहुत ही अच्छी है, आपकी जो 10 सेकंड 1 सेकंड 5 सेकंड की टाइमिंग है जाते ही झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसको आप 20 से 25 मिनट, एक औरत की डिजायर यह है कि वो कम से कम 15-20 मिनट उसको आप दो, ठीक है, सेक्स टाइम में। तो उसके लिए मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद, अब जाके वीडियो देखिए, मैं इस वीडियो में भी लिख देता हूँ, जरूर देखें और मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। आप कई हेटर्स हैं कुछ जो आके उनको एक ही काम करना है, वीडियो का गंदे कमेंट करने है। वो लोग मैं मेरे दोस्तों को बता देता हूँ, वो दूसरे चैनल वाले हैं, दूसरी आईडी से आके ऐसे कमेंट इसलिए करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा ट्रस्ट यहां से हट जाए। आप देखना सेम तरह के कमेंट वो करते हैं हर वीडियो पे, तो उन सालों को जवाब देने के लिए, वैसे मैं बोलता भी हूं ना, मुझे कभी गुस्सा आता है, ऐसे लोग तो करते रहते हैं, फिर भी जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे मेरा वीडियो पसंद करते हैं, मेरी एक प्राचीन जो रिसर्च है मैं लेके आता हूं आप लोगों के साथ, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनको कमेंट में आप ही समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा, आप ही समझाओ। तो उनके चैनल चलते नहीं, आपने देखा होगा मोस्टली वो नींबू लहसुन तेल इनकी चीजें बताओ, उनका जड़ी बूटी का ज्ञान ही नहीं है, मेरे जिस बुक की नहीं तो कहां से बनाए। अब मुझे पूछते हैं कि भाई तुमने जड़ी बूटी क्यों नहीं बताई, नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो कॉपी करके फिर से वीडियो बना देते हैं। इसलिए मैं मेरे दोस्तों से यही बोलता हूँ, आप बिंदास होकर मेरे इस नंबर पे जो मैं दे रहा हूं स्क्रीन पे, इस पर ऑर्डर करिए और आपको एकदम शुद्ध ओरिजिनल दवा मिलेगी, आपको फायदा भी होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बार और मैं बोल देता हूं, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, बेल वाले घंटे को भी दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, 1 लाख सब्सक्राइब नहीं हुए यार एक साल में, मुझे बड़ा शौक होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के भी हो जाते हैं और आप तो अच्छे व्यू हो रहे हैं, अच्छे व्यू आते हैं मेरे वीडियो पे, सब्सक्राइब भी करो, इस बार शानदार सब्सक्राइब होने चाहिए हर बंदा, और मैं सबको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता जाऊंगा जो भी मेरा सब्सक्राइब होगा, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, फिर मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय।